अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें हम जो है क्या क्या डिस्कस करेंगे और किस तरह से इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे इसको, इसके अंदर डेफिनेशन, इनको डिफाइन करेंगे हम एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को। सेकेंड पे हम इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन के हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पे हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फोर्थ में हम इसकी कैलकुलेशन के किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये हो गया एटॉमिक नंबर को हमने डिफाइन कर लिया, इसको आप पूरा लिख लें एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो नेक्स्ट जो है वो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल जेड, जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, लेट सपोज हम एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर की साइड पे यहाँ पर ए लिखा होता है और नीचे जेड। ये जो ए है बेसिकली ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक मास, और ये जो है ये जेड जो है वो आपको एटॉमिक नंबर बता रहा होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है, आप अगर आपके पास एटॉमिक नंबर जो है जेड की वैल्यू जेड वन है, तो इसका मतलब के उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस एटम के अंदर वो क्या है, उसकी अमाउंट वन है। अगर आपके इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपको गिवन हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास जो हैं वो वन हैं, तो आप एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वन होगा, यानी कि जेड उसका क्या होगा, जेड इज इक्वल टू वन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। कि लेट सपोज हमारे पास कार्बन है और यहां पर ये जो ऊपर वाला, जैसे मैंने भी बताया ऊपर वाला जो नंबर है वो आपको बता रहा होता है ए। ए क्या है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे जो कि एटॉमिक नंबर मास नंबर है। ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं
और सिक्स जो है ये आपको बता रहा है जेड। तो यानी कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सिक्स है, और इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या है, वो भी सिक्स हैं। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 24 और ये 12, तो ये 24 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मास नंबर। अभी हम इसको जैसे मैंने कहा कि भी डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, तो ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 12 हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 12 है। तो ये हमने डिस्कस कर ली एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। अब हम डिफाइन भी कर लेते हैं मास नंबर को और फिर उसकी एग्जांपल्स को और सारा कुछ उसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों अवेलेबल होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जो सम होता है प्रोटॉन्स का एंड न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब हमने डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक नंबर है हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जो है मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि A जो है वो मास नंबर को जो है रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने लिख दिया इसको कि मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को, इनकी डेफिनेशंस को और इनकी रिप्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली। लेकिन एटॉमिक नंबर की हमने एग्जांपल्स भी देख ली हैं, लेकिन मास नंबर की एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल्स देख लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ मास नंबर और एटॉमिक मास। तो एज अबव मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं कि कार्बन है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी जस्ट सिक्स। तो ये जो सिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो नीचे मैंने कहा था सिंबल लिखते हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को, और जो ऊपर लिखते हैं वो ए को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ए है दिस इज एक्चुअली द एटॉमिक मास, या फिर इसको मास नंबर भी कहते हैं, जो कि क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसको देख के हमें पता क्या चला कि जेड जो है यहाँ पर वो सिक्स है। तो हमें इसको देख के पता चला कि जेड जो है वो सिक्स है और ए जो है वो क्या है, 12 है। तो हमें पता चल गया कि जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, Z को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जो मास नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो इसको देख के हमें पता तो चला कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सिक्स है, तो सिक्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब कि इसके अंदर सिक्स ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो इसका आसान मेथड जो है इसको कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी, तो वो फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है,
n is equals to a minus z. तो n आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन है और a जो है वो एटॉमिक मास है. तो जब आप ऊपर वाले में से यानी कि एटॉमिक मास में से z नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट किसका, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का. तो इसका मतलब कि इसको वैसे भी आप देख के भी बता सकते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और ये फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड. और एन की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 6 है, यानी कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. और अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ जिसके थ्रू आप जो है आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को भी. तो ये है वो ट्रिक, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉन. यानी कि जेड जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो इसका मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. तो हमने कह दिया कि जेड इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उतने ही उसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे. तो हमने इसीलिए ये कह दिया कि Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर जो है जितना भी होगा वो प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी, यानी कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो अब हम इसकी एग्जांपल्स भी ले लेते हैं. मैं जनरल एग्जांपल्स बहुत जनरली लाइक मैं बहुत ही इजी एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए. तो एग्जांपल ले लेते हैं हम मैग्नीशियम की, 24 एंड 12. तो अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये इसमें 24 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 12 है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 24 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए को, और 12 जो है वो जेड है जो कि एटॉमिक नंबर है. तो ए जो है यहाँ पर क्या हो गया, 24, यानी कि एटॉमिक मास 24, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल्स टू 12. तो हमने कह दिया कि जेड अगर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके अंदर क्या होंगे, 12 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या होंगे, 12 होंगे. तो आपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट कर लिए. अब नेक्स्ट क्या था मेथड, कि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से n इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड. तो फॉर्मूला जो है वो आपको बता रहा है एटॉमिक मास क्या है इसका, 24 है, और z जो है वो क्या है, 12 है. तो आप इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12. तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 आ गए. ये तो हमने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया. तो अब आप देख लें क्या आप जब 24 में से माइनस करते हैं 12 को तो आपके पास रिजल्टेंट 12 ही आंसर आता है या नहीं आता. तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि 24 में से माइनस करेंगे 12 तो आपके पास जो है 12 ही आंसर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जो कि हमने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किए हैं, या हमने जस्ट ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके भी देखा है, तो हमारे पास दोनों रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं. तो इस तरह से आप बच्चों ने, सारों ने जो है कैलकुलेशन करनी है, एटॉमिक नंबर को भी कैलकुलेट करना है, मास नंबर को भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी कैलकुलेट करना है सेम प्रोसीजर के थ्रू. होप्स हो कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अगर आप का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू सो मच.